क्या पढ़ रहे हैं? यूकेजी। यूकेजी में और हज पर जा रहे हैं, क्या नहीं क्या कौन जा रही? लब्बाइक पढ़ो, देखिए लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक लब्बाइक अल्लाह शरीक लक लक लब्बाइक इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन शरीक लक। शहरे गुलिस्तान बेंगलुरु से रवाना हो रहे आजमीन हज के काफिलों में बड़े और बुजुर्गों के साथ नौजवान भी कसीर तादाद में शामिल हैं। नौजवान तो नौजवान, बच्चों की भी खासी तादाद इन काफिलों में देखी जा रही है। जी हां दोस्तों, नन्हे मुन्ने बच्चों को भी हज की सआदत हासिल होने का मौका मिल रहा है। कम सिन बच्चे, स्कूलों और कॉलेजों के तलबा भी अपने अम्मी अब्बू के साथ हज पर रवाना हो रहे हैं। एक वक्त था हज के काफिलों में बड़े और बुजुर्ग ही रहा करते थे, लेकिन अब नौजवानों की बड़ी तादाद नजर आ रही है। साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चे भी हज पर रवाना हो रहे हैं। बच्चों के लिए सफर हज के अखराजात में कोई कमी नहीं है, यानी एक आम हाजी की तरह छोटे बच्चे के लिए भी पूरी रकम अदा करनी होती है। और अब ये रुझान देखा जा रहा है कि वालिदैन हज की अदायगी के लिए अपने बच्चों को भी साथ ले जा रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। बहरहाल ये बच्चे काफी खुश नसीब हैं कि उन्हें बचपन में ही हज की सआदत हासिल हो रही है। दूसरी जानिब जवानी के आलम में हज करने वाले अफराद भी काफी खुश नसीब हैं। उलमाए कराम फरमाते हैं कि जवानी का हज इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। बस हम यही दुआ करते हैं कि बच्चे, नौजवान, बड़े, बुजुर्ग सभी का हज कबूल व मकबूल हो। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। दोस्तों, बेंगलोर के हज भवन में इंतहाई प्यारा और निराला मंजर आप देख रहे हैं। छोटे हाजी साहब और छोटी हाजिन माँ हज पर रवाना हो रहे हैं। यकीनन ये मंजर जो है दिल को लुभाने वाला है। तमाम बच्चों के लिए ये मंजर जो है काफ़ी माने रखता है। बताइए बेटे, क्या नाम है आपका, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? सैयद हमदान पाशा। हाँ। और मैं थर्ड स्टैंडर्ड का हूँ। खुशी हो रही है हज पर जा रहे हैं? हाँ। पता लगा कि अब्बू अम्मी आपको हज पर लेकर जा रहे हैं? वो हर साल हर साल बोल रहे थे मुझे हज पर जाना है, आप खुद बोल रहे थे। हाँ, क्या बोले आप? आपके टीचर को क्या बताए? टीचर को बोला छुट्टी चाहिए। हाँ। हाँ। वो बोले ठीक है। तो उन्होंने नहीं पूछा किसके किस लिए छुट्टी चाहिए? हाँ पूछा, बोले हज को जा रहे हैं सब बोला। तो हज के बारे में क्या जानते हैं आप? हज के अरकान, मीना, मुज़दलिफा, अरफात, मक्का। माशाल्लाह, लब्बैक पढ़ेंगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्ना अलहम्द व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। व्हिच स्टैंडर्ड यू आर स्टडी? यूके। यूके जी, कहाँ जा रहे हैं आप? हज। हज पर, माशाल्लाह। हज कहाँ होता है? सऊदी। सऊदी अरब में, गुड। लब्बैक अल्लाह शरीक लक लब्बैक इन्ना अलहम्द व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक। बताइए मैडम, कैसे बच्चों को आपने तैयार किया? आप अकेले जा सकते थे लेकिन आप साथ में बच्चों को लेकर जा रहे हैं, क्या वजह रही? बच्चों को भी शौक था जाने का, इसलिए हमें भी ले जाने का शौक था, इसीलिए ले जाए। तो इनके लिए टिकट वगैरह कैसा इंतजाम हुआ? और आपने पहले इनके अप्लाई किया था अपने साथ? हाँ, पहले अप्लाई किया था। जो है जब आपने अप्लाई किया तो क्या रिप्लाई आया वहाँ से?
छोटे बच्चों के लिए? कुछ नहीं, हमने सोचा था हाफ टिकट है उनका, लेकिन इधर तो पूरा टिकट देना ही पड़ रहा है। पूरा जितना बड़ों को है उतना ही छोटों को भी है। 2 साल के ऊपर के बच्चों को फुल टिकट है, लेकिन हम बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकते, हमारा दिल नहीं माना, इसीलिए उनको लेके जा रहे हैं। बचपन में इन्हें हज का मौका मिल रहा है, 3 उम्रे कर चुके हैं वो माशाल्लाह। क्या काम करते हैं? हमारा लोहे का बिजनेस है, क्रेन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। तो बच्चों को जो है आपने पहले उम्रे कराए? हाँ, 3 उम्रे हो चुके हैं और अभी हज पे जा रहे हैं। उनकी दिली तमन्ना भी थी दोनों की कि हज पे जाना है बोल के। तो कहते थे कि आपसे आप? हाँ बिल्कुल। तो उन्हें छोड़ने का दिल नहीं हुआ? लास्ट ईयर छोड़ के गए थे लड़की को, लेकिन बहुत मायूस हो गई थी। लास्ट में हम जल्दी वापस ही आना सोच रहे थे, एकदम गमगीन हो गई थी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? अल्लाह पाश, अल्लाह पाश। मेरे अम्मी अब्बा और मेरे चाचा चाची सब जा रहे हैं, मेरे भाई बहन सब। तो बच्चों को भी आप लेकर जा रहे हैं साथ में? हाँ हाँ इंशाल्लाह। एक ही बच्ची थी घर में? नहीं और भी थे, बट ये इनके अब्बा इनको लेकर जाना चाहते थे, इसलिए इंशाल्लाह हमने इरादा किया। मैं उनके अब्बा की बहन होंगे, फूफी होंगे। तो बताइए बच्ची को भी हाँ इंशाल्लाह वो साथ में रहेगी। और क्या बोलते सो? कहाँ से आप हैं, क्या नाम है, क्या पढ़ रहे हैं? अभी 10 पढ़ रहा हूँ। नाम अदनान। तो कैसे मौका मिला हज पर जाने का, कैसे प्रोग्राम बना, कौन कौन जा रहे हैं आप? पूरी फैमिली जा रहे हैं। हाँ हाँ टोटल ओवरऑल कितने कजिन्स जा रही हैं? कजिन्स कितने हैं? 7 कजिन्स सर। हाँ हाँ तो आप क्या पढ़ रहे हैं? स्कूल में 9th पढ़ रहे हैं। तो कितनी खुशी हो रही है हज का मौका मिल रहा है, दोस्तों ने क्या कहा, आपके टीचर्स ने क्या कहा? मुबारक दी। हाँ हाँ खुशी हो रही है, हज पर जा रहे हैं आप सब? अरे अरे कितने हेडफोन लो, हेडफोन लो। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पढ़ रही हैं आप? मैं 7th। आप बताइए। मैं 12th में हूं, बहुत ही खुशी हो रही है हज जाने के लिए। हाँ हाँ बहुत ही कम उम्र में मौका मिला जाने के लिए। हाँ तो हज के बारे में आपने क्या क्या जाना है? जो जानना है तो हजरत उनसे पूछा और यूट्यूब वीडियोस देख के मालूम किया। बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ बताइए क्या नाम है, क्या पढ़ रहे हैं? मोहम्मद यामिन है नाम मेरा, 7th ग्रेड में पढ़ रहा हूँ, दिल्ली प्राइवेट स्कूल शारजा में। कौन सा ग्रेड? सेकेंड। क्या पढ़ रहे हैं? UKG। UKG में और हज पर जा रहे हैं क्या? भी क्या बोलो कम पंजाबी लब्बैक पढ़ो देखिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लक लब्बैक इन्नल हमद मन यमता कबूल ला शरीक लक। सबके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और एक बार Shiva!
और जारी समझाने के राम को इमिग्रेशन काउंटर में पहुंचना है। बिस्मिल्लाह पढ़कर सीधा कदम रखें, अंदर जाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह सेहत सलामती के साथ जाना, सेहत सलामती के साथ मनासिब का अदा करना, सेहत सलामती के साथ तो एक एक मंजर अभी भी याद कर लेना। आगे तुम्हारे साथी आगे आगे है भी याद कर लेना। बताइए जो हमारे हुज्जात इकराम के साथ हमें भी आज जारी इकबालन बन को ड्यूटी करे, आज हमें हज के हाजियों के साथ निकल को जा रहा हूँ हमारे अम्मी के साथ। ये ऐसा मौका सबको भी नसीब फरमान दे, जितने भी वॉलंटियर्स ड्यूटी कर रही दिन रात में, अल्लाह उनको भी हज और उम्रा नसीब फरमान दे, और हमारे वास्ते भी दुआ करो, और मैं भी इंशाल्लाह सबकी उम्मत के वास्ते दुआ करूं। यहां पर खिदमत की है, मैं 16 साल से खिदमत कर लेता हूं हज काम में, जो हर साल आप में आपके दिल में अरमान थे कि अरमान तो हमेशा रहती है, और जब भी हाजियों को देखती हूं ये ख्वाहिश और बढ़ जाती थी, आज अल्लाह वो कामयाब कर डाले। तो सिक्योरिटी में आप रहते हैं, जो हाजियों की खिदमत जो हाजा रहती वो इसके जो रूम्स में रहती है उसका मेंटेन करती है, मेरे स्टाफ वाले मिलकर प्रेस्टीज ग्रुप से पूरे मेंटेन करते थे दिन और रात में, तो क्या भी एक प्रॉब्लम नहीं सरकार देख ले रही, अभी हमारी टीम है, मैं जा रहा हूँ, हमारी टीम है, उन्होंने भी पूरे जने देख लेती, पूरे जने के वास्ते दुआ करता हूँ इंशाल्लाह जरूर। किसके साथ जा रहा हूँ? मैं हमारी अम्मी के साथ जा रहा हूँ, हमारी अम्मी मंजे बुला ले जा रही है। नहीं 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 मंजे बुला ले को जा रही है। क्यों ऐसा कैसे हुआ? क्यों तो पूरा उनका खर्च, उनका खर्च सब उनका से, और मौका दिया सब हमारा अल्लाह उनके जरिए से, मौका जो दिया ये हमारे अम्मी के जरिए से, ये उम्र में होना तो उनकी बदौलत। आपके खाने का इस्तेमाल किया गया है।